सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सलूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस स्टडी से रिलेटेड, कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड लाती रहूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज जैसे कि हमने टॉपिक से पता लगा कि रूल्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, अनफर्निश्ड मतलब कि जो हाउस हमें प्रोवाइड किया जाएगा उसमें फर्नीचर नहीं होगा। ठीक है, वो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के द्वारा होगा, तो फर्स्ट हमारा एम्प्लॉय होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है ना, हाउस किसके द्वारा ओन्ड है? एम्प्लॉयर के द्वारा। हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से एम्प्लॉय पर कितना रेंट फ्री पड़ता है। देखो, फर्स्ट हमारा एम्प्लॉय है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। द वैल्यू ऑफ हाउस इज़ रेंट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सच हाउस। ठीक है, इसका रेंट किसके साथ द्वारा फिक्स किया जाता है? गवर्नमेंट हाउस के द्वारा, मतलब लाइसेंस फीस के द्वारा। इट कैन बी रेंट चार्ज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अनदर एम्प्लॉय ऑफ सेम स्टेटस फॉर सिमिलर टाइप ऑफ हाउस। ठीक है, मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ अकोमोडेशन इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट एंड हैंस इग्नोर। मार्केट में इस टाइप की अकोमोडेशन की कोई वैल्यू नहीं बताई जाती और ये इग्नोर किया जाता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट द्वारा क्यों होता है? क्योंकि ये तो अदर है, अदर एम्प्लॉयज़ में होता है कि वैल्यू ऑफ हाउस टू बी टैक्स्ड इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब बात आती है हमारे अदर एम्प्लॉय की। ठीक है, तो अदर एम्प्लॉय में सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितने पे पड़ेगी। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, तो फर्स्ट पे पड़ेगा हमारा केस कि इन सिटीज़ द पॉपुलेशन ऑफ विच इज़ मोर देन 25 लाख एज पर सेंसेक्स ऑफ 2001। ठीक है, अगर 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की तो 15% ऑफ सैलरी देनी पड़ती है, टैक्सीबल होती है। ठीक है, इन सिटीज़ द पॉपुलेशन ऑफ विच इज़ एक्सीडिंग 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 25 एज पर सेंसेक्स ऑफ 2001। अगर हमारी 25 लाख से कम है बट 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारी सैलरी का 10% सैलरी का टैक्सेबल होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा, इन सिटीज एंड टाउन्स द पॉपुलेशन ऑफ विच इज़ 10 लाख और लेस देन 10 लाख एज पर 2001 सेंसेक्स। ठीक है, इसमें है कि 7.5%, 10 लाख से कम या 10 लाख। ठीक है ना, ये हमने बात की गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस चीज़ में? अनफर्निश्ड अकोमोडेशन पे। ठीक है, अब देखो अगर हमारा फोर्थ पॉइंट होता है होटल अकोमोडेशन फॉर मोर देन 15 नाइट्स ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, अगर हमारा एम्प्लॉय किसी एक प्लेस पे रहता है एंड देन उसको किसी अनदर प्लेस पे जाना है और उसको अभी होटल मतलब के हाउस का प्रोवाइड नहीं हुई, तो एम्प्लॉय जो है उसको होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो 15 दिन के लिए उसको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आफ्टर 15 डेज 24% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड और डेज फॉर विच अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइड इन होटल और एक्चुअल बिल विच एवर इज़ लेस इज़ टैक्सेबल। ठीक है, 15 डेज के बाद 24% ऑफ सैलरी पड़ेगी उसकी। ठीक है, जितनी उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, एक्चुअल जिसने उतना बिल पे किया है, जो भी उनमें से जो भी लेस होगा। एंड बी पार्ट है हायर्ड बाय एम्प्लॉयड, इसमें पहले हमने कौन सा किया? ए पार्ट ऑन बाय एम्प्लॉय, बट अब हायर्ड बाय एम्प्लॉय है। ठीक है, तो हायर्ड बाय एम्प्लॉय में है 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल इन ऑल सिटीज। ठीक है, वो ऑन नहीं है एम्प्लॉयर द्वारा, सो 15% सैलरी पे आउट करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को और एक्चुअल जो रेंट पे कर रहा है वो दोनों में से जो भी लेस होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर फर्निश अकोमोडेशन। ठीक है, तो इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है, इफ़ फर्नीचर इज ऑन बाय एम्प्लॉयर एड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर ने ऐड करके दिया है
तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लगेगी। इफ़ फर्नीचर इज़ हायर्ड एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर आर एडेड। अगर उसने जो फर्नीचर हायर किया है उसकी पेमेंट वो एम्प्लॉयर कर रहा है, देन उसमें हम वो क्या कहते हैं टैक्सीबल अमाउंट में वो एड ऑन करेंगे। ठीक है, द टर्म फर्नीचर इंक्लूड्स यूजुअल आइटम्स ऑफ फर्नीचर लाइक सोफास, बेड्स, चेयर्स, टेबल्स एंड अदर हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉडर्न इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस लाइक टेलीविजन, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गीजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये उनमें फर्नीचर में एड ऑन हो जाते हैं। तो जिस जिसके मतलब जितना जो जो उसने प्रोवाइड किया उसमें अगर उसने फर्नीचर ऑन करके दिया तो उसका 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जितना, ठीक है, वो टैक्सेबल होगा। प्लस अगर उसने प्लस नहीं मतलब कि अगर उसने हमें हायर करके दिया है तो वो उसकी कॉस्ट एड ऑन हो जाएगी। ठीक है ना, जितना उसको हायर चार्जेस पे आउट करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने थ्योरेटिकल मतलब कि जाना कि रूल्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन की हमने, टैक्स की, रेंट अकोमोडेशन की। इसका मैं एक चार्ट लास्ट में दे रही हूँ आपको, तो आपको आपको अच्छे अगर थ्योरी में कुछ भी मतलब लाइंस ना समझ आ रही हूँ तो आप ये चार्ट को देख के अच्छे से समझ सकिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वीडियो। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी मैं अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।